Very good morning, students. Welcome to Fun and Learn Home Learning. I hope you are safe at home. Today, I am presenting math subject for standard second, chapter 4, counting in tens, part 1. बच्चों, counting in tens में आज हम देखेंगे कि 1, 0 याने 1s and t याने tens. इसको कौन से प्लेस बोलेंगे वंस एंड इसको टेंस. ओके, टेंस मींस क्या? टेंस मींस ग्रुप ऑफ टेन. टेंस का मतलब क्या होता है बच्चों? टेंस का मतलब होता है ग्रुप ऑफ टेन. कोई भी चीज जो टेन टेन का ग्रुप बने उसको टेंस बोलते हैं. कोई भी चीज का टेन टेन का ग्रुप बनाओ उसको टेंस बोलते हैं, है ना. वंस, वंस के इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक पूरे वंस पोजीशन में आते हैं. वंस में सबसे बिगेस्ट नंबर 9 होता है एंड सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 1 होता है. वैसे ही टेंस में, टेंस टेंस एंड वंस में क्या होता है बच्चों? टेन वन, टेन वन टेन एंड वन इलेवन, टू टेन एंड वन यानि 21, है ना बच्चों. वैसे ही टेन टेन के ग्रुप्स उसको टेंस बोलते हैं. जैसे कि मैंने बोला टू टेंस यानि 20, थ्री टेंस यानि 30, फोर टेंस यानि 40. ये चैप्टर का मेन पार्ट है बच्चों. समझ में आया? टेंस यानि ग्रुप ऑफ टेन. अभी हम चैप्टर पे जाएंगे. चैप्टर में चिकन एंड क्लेवर फॉक्स. Tilku farmer has many chickens in her farm. One day, clever fox saw these naughty chickens playing around. From that day, she started stealing and eating chickens every day. Fox क्या करता था? वो chickens को चोर के खाता था. Tilku came to know about it. उसके मालिक को पता चला. शी आस्क्ड द फॉक्स, हे डू यू ईट माय चिकन्स? तो फॉक्स बोलता है, नो डियर, आई एम योर फ्रेंड, हाउ कैन आई ईट योर चिकन्स? टिकलू थॉट ऑफ काउंटिंग हर चिकन्स एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग. फिर उन्होंने डिसाइड किया कि एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग मैं मेरे चिकन्स काउंट करके रखूंगी. बट चिकन्स केप मूविंग अराउंड हियर एंड देयर. चिकन्स एक जगह पे रहते नहीं थे, वो मूव होते थे. शी सेड, आई विल पुट 10 चिकन्स इन वन बास्केट एंड काउंट देम, एंड इफ आई फाइंड एनी ऑफ देम मिसिंग आई विल गिव द फॉक्स टाइट स्लैप. मैं उसको भी मारूंगी अगर मेरे चिकन्स कम हुए तो. फिर नेक्स्ट क्या होता है बच्चों? यहाँ पे देखो, इन द मॉर्निंग शी काउंटेड हर चिकन्स. कितने बच्चों, कितने दिख रहे हैं ग्रुप्स? टेन टेन के कितने पैकेट दिख रहे हैं? 1, 2, 3, 4, 5. हाउ मेनी बास्केट ऑफ 10 चिकन्स आर देयर? तो 5 बास्केट. 5 बास्केट ऑफ 10 chickens, that means 5 baskets of 10 chickens, that means 5 tens, है ना. 5 tens यानि 50 chickens. ओके बच्चों, 50 chickens तो हो गए. और बाजू में आपको कितने chickens दिख रहे हैं? यस, 1, 2, 3 and 4. तो कितने हुए? 50 plus 4, 54.
और वो मॉर्निंग में तो 54 चिकन्स थे। इन द इवनिंग शी काउंटेड द चिकन्स अगेन। देयर आर कितने बॉक्स दिख रहे हैं? 1, 2, 3, 4। 4 टेन्स यानि इवनिंग में उसको कितने चिकन्स दिख रहे हैं? 40 चिकन्स दिख रहे हैं, है ना? और बाकी के कितने हैं? 1, 2, 3, तो 43। अभी 54 में से 43 माइनस किए तो कितना बचेगा बच्चों? यस, 11 चिकन्स। दैट मीन्स 11 चिकन्स हैव बीन ईटन बाय फॉक्स। समझ में आया बच्चों? मजा आ रहा है ना? अभी नेक्स्ट पेज देखते हैं। हाउ मेनी आर दीज? भानु कलेक्ट स्टिक्स फ्रॉम द जंगल। ही सेल्स देम इन अ मार्केट। ही यूजेस 10 स्टिक ऑफ 1 बंडल। तो उसने कितने बंडल्स बनाए बच्चों? काउंट करो, 1, 2, 3। 3 बंडल्स यानी 3 टेन्स यानी 30 स्टिक्स हुई, है ना? एंड हाउ मेनी स्टिक्स इन ऑल ऑफ दीज? ये कितने हैं बच्चों? 1, 2, 3 यानी 30 हुए, और बाकी के स्टिक्स काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यानी 39 स्टिक्स हुए। और ऐसे ही 4 बंडल यानी 4 टेन्स यानी 40 होता है, 46। ओके बच्चों, समझ में आया? 40 यानी 4 टेन्स। बच्चों आपको आज के होमवर्क में आपको लिखना है 1 टेन्स यानी कितना, 2 टेन्स यानी कितना, 3 टेन्स यानी कितना, 4 टेन्स यानी कितना, 5 टेन्स यानी कितना, 6 टेन्स यानी कितना, 7 टेन्स यानी कितना, 8 टेन्स यानी कितना, 9 टेन्स यानी कितना, और 10 टेन्स यानी कितना होता है। ये आपको होमवर्क में लिखना है। यहाँ पे हमारा हम ये पार्ट ख़त्म कर रहे हैं। मिलते हैं सेकेंड पार्ट में। टिल देन बाय, हैव अ ग्रेट डे।